को पावन अपनी हाथी से कृष्णा वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों बड़भागी गीता के पैरोकारों मेरे सजनों धार्मिक भाइयों आओ अपने मन को एकाग्र करें और जोड़ दें भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। आज का प्रसंग कल से जारी हुआ है, अपना निरीक्षण, अपनी जांच पड़ताल, अपनी इंट्रोस्पेक्शन, अपना मुआयना लेना, अपने में गोता मार के देखना मेरी आंतरिक अवस्था क्या बन चुकी है और क्या बननी चाहिए थी, क्या प्रसंग है। जैसे आप जैसी मेरी माता बेटियां बुजुर्ग और भाई एकाग्र रहना, लगातार एक लंबे समय से मेरे महाराज जी की वाणी बड़े एकाग्रता पूर्वक और प्रेम से श्रवण कर रहे हैं। सवेरे कई तो काफी तो ऐसे हैं जो सवेरे शाम आ रहे हैं, गीता का पाठ भी जारी है, प्रातः काल आप उठते भी हैं और महाराज जी के चरणों में हाजिरी भी दे रहे हैं। काफी कई कोशिश कर रहे हैं हर समय भगवान का चिंतन जारी हो जाए, कईयों का जारी भी हो चुका है, ये मेरे प्रभु की बड़ी दया। ये सब ठीक, अब महर्षि वेदव्यास फरमाते हैं जो लगातार हजूर की वाणी सुनते रहती हैं पढ़ते रहती हैं उनकी ये अवस्था बन जानी चाहिए। और निरीक्षण करें और जरा अपने अंदर झाती मारे, ये अवस्था बन गई। जैसे आप कहते हैं इतनी देर हो चुकी है दाल बनते हुए, इस समय तो दाल बन जानी चाहिए थी। हाँ, इस समय तक चने क्यों नहीं बने, डेढ़ घंटा हो गया। नहीं, चने खराब है, चने तो गले ही नहीं, पत्थर है। हाँ, तो हम फौरन अनुमान लगा लेते हैं। आइए प्रभु की प्रेरणा से जो ये प्रसंग कल से जारी हुआ है हम भी अपना निरीक्षण करेंगे, अपने आप को देखेंगे। सबसे पहले जो महाराज जी ने बताया कि भगवान की वाणी को इतनी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक लगातार सुनने से क्या होता है, विवेक जाग उठता है, विवेक का गुण जाग उठता है। सुनो ध्यान से, विवेक के बिना इंसान कौड़ी से भी खोटा, विवेक के बिना इंसान बिल्कुल जीरो, विवेक के इंसान मुर्दा, विवेक के इंसान नाना प्रकार के दुखों का शिकार, विवेक के बिना बिना पूंछ बिना सींग हैवान माना जाता, पशु माना जाता है। जिस विवेक का मतलब जो ये गुण बता देता है मेरे लिए उचित क्या है अनुचित क्या है, वाजिब क्या है गैर वाजिब क्या है, प्रॉपर क्या है इम्प्रॉपर क्या है। विवेक इंसान की बड़ी मदद करता है। गुणों का तो कोई अंत ही नहीं है, बड़े गुण है, पर श्रोमणी गुण माना जाता है इंसान का विवेक। विवेक हां, अक्ल सलीम, ध्यान देना मेरी देवियों, इसके बिना इंसान अपने लिए परिवार के लिए समाज के लिए बड़ा खतरनाक है। जिस लड़क लल्ले को पता ही नहीं उचित क्या अनुचित का, वो क्या करेगा, सारे कार्य अनुचित करेगा। जैसे भगवान ने कहा हर बात उल्टी हर एक में फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। उनकी हर बात उल्टी होती है, उल्टी का मतलब दुखदाई। किसके लिए, तीन के लिए, अपने लिए परिवार के लिए और समाज के लिए। अपना आप रह रहा है परिवार में, परिवार रह रहे समाज में, तीनों के लिए हानिकारक, वेरी वेरी हार्मफुल। उसे उस कार्य को अनुचित मानती है जिसमें ना अपना भला हो, ना परिवार का, ना समाज का।
तो आप तो लगातार सुन रहे गए, ये रजोगुण वालों को के लिए नहीं है, तमोगुण के लिए नहीं, आप लोगों के लिए जो कल्याणकामी हैं, और मेरे महाराज जी की वाणी का श्रवण करने का आपको पूरा शौक पैदा हो चुका है, मेरे देवियों का पूरा शौक है आपने कल्याण का, तो ये गुण आप तक जाग जाना चाहिए। गुण तो हर एक में है, दबा पड़ा है, गुण भगवान ने सबको दिए हैं। जब सत्व गुण जागृत हो जाता है, सत्व गुण की अधिकता और प्रचुरता हो जाती है, हाँ, तब ये गुण धीरे धीरे करके जागने लगती। जैसे धीरे धीरे करके रात होती है तो हमें तारे दिखाई देने लगते हैं, तारे तो आकाश में सदा ही होती हैं। अच्छा अच्छा, यानी कि रात्रि को तारे निकलते हैं, ऐसा हमारा कहना अनुचित है। तारे होते हैं पर चंद्रमा की क्षमा सूर्य की रोशनी के कारण से वो छिपे रहती है। हाँ, जैसे दीपक सूर्य की रोशनी के सामने शर्मिंदा हो जाता है। अच्छा, ये मत कहने कि विवेक कहीं आकाश से आता है या गीता से निकल के आपके अंदर आता है, ऐसी चीज नहीं होती। ये सब कुछ हमारे अंदर है, जो जो हम अधिकारी बनते जाती हैं, तू तू वो गुण दिख, सबसे पहला गुण ये चमकता है, विवेक। विवेक अर्थात इंसान को पता लगने लग जाता है, ये भगवान की बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी देन। क्या मनुष्य को पता लग जाए से मिल ये उचित है, वह बड़ी जल्दी वो देवता बन जाएगा। वाह वाह, बड़ी जल्दी वो देवता बन जाएगा। हा मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, बहुत जल्दी ऐसा देवता बन जाएगा। क्योंकि अनुचित कर्म अज्ञानता से जो हमारे अंदर आ गए थे वो सब भाग जाएंगे, टिक नहीं सकते। जितने भी अवगुण है, सबसे पहले अवगुण काम बोलते हैं, फिर क्रोध बोलते हैं, फिर लोभ बोलते हैं, फिर मोह कहते हैं, फिर अहंकार कहते हैं। ये अवगुण और जबरदस्त अवगुण है राग और द्वेष, ये अज्ञानता में आते हैं। जब हमें बिल्कुल, जब हम पर्दा में हो, जब हमें बिल्कुल ही समझ ना हो, जैसे उल्लू चमगादड़ चोर उचक्के रात के अंधेरे में आते हैं, आपको उल्लू दिन में नजर नहीं आएंगे, चमगादड़ दिन में नजर नहीं आएंगे, बिल्कुल ध्यान देना जरा, ध्यान से सुनना जरा मेरे आज के आज भगवान जी का विचार। ये अंधेरे के जीव है, अंधेरे में ही दिखाई देते हैं, इसलिए ये अज्ञानता के जीव है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जिन्हें हम नकारात्मक वृत्तियां कहती हैं, हर सुबह शाम गिर गिरा के अपने भगवान के चरणों में आरती उतारते हुए हम प्रार्थना करती हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। कितने गिर गिरा के हम अपने इष्ट देव के चरणों में प्रार्थना करता था, इनको हटा दो, ये अज्ञानता से आ गया, मुझे मालूम न था कि इनको नहीं बसाना चाहिए। जैसे कईयों को पता नहीं होता कुत्ते को पालते रहते हैं, कुछ महीनों के बाद कुत्ते से एक विशेष प्रकार की मक्खी निकलती है या कुत्ते को मक्खी खाती है और बीमारी डालती है घर के अंदर। याद रखना, जिन्होंने कुत्ते पाल रखे मेरी बात को जरा ध्यान से सुन लो, कुत्ते का श्वास और कुत्ते की विशेष प्रकार की मक्खी आपकी सेहत को तबाह कर देगी। तो जब ये पता लगा और देखे बीमारी फूट रही है, उसको भी दाने निकला है, मां जी को भी निकला है, पिताजी को निकला है, अब आपको भी चार दाने निकला है, 4 से 40 बन जाएंगे, आप फौरन कुत्ते को भेज दिया, 4,000 का लिया था, कितने भेज दिया, 1,500 का भेज दिया, जान छुड़ाई परे। अगर ये बीमारी फैलाने वाले हैं तो मैं इसे क्यों घर में पालूं। हाँ, जब ये पता लग जाता है कि ये काम क्रोध मोह लोभ मेरे मार्ग में जबरदस्त बाधा है, क्योंकि अब हम क्या गए, हम कल्याणकामी हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, अब मालूम होता है इस अवस्था में यह एहसास का मादा पैदा होता है, मैं बहुत गलती करती रही। इसे बोलती है प्रायश्चित, इसे बोलती है पश्चाताप, इसे बोलती है पावर ऑफ रिपेंटेंस। हम रिपेंट करती हैं कि मैं करता क्या रहा, हैरान होते मेरे से ये हो गया, लख लानत मुझे, मैं करती रही। हर बा कभी कभी ऐसा मन होता, मैंने नहीं किया, मुझसे करवाया गया, मैं करने वाली हूं ये। कभी कभी आपको अपने आप पर विश्वास भी नहीं होगा, नहीं मैंने नहीं किया, गुनाह कोई करता नहीं,
चाह से वो सब कुछ करे जबरो अकड़ाव से. वन इज बीइंग फोर्स्ड टू डू इवल्स बैड एक्शंस बैड एक्टिविटीज एंड वाइसेस. वन इज बीइंग फोर्स्ड. कोई चाह से नहीं करता, शौक से नहीं करता. जैसे कोई ऐसी जबरदस्त ताकत है जो उससे करवा लेती है. कमान ओ मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, इस अवस्था में आके हम पछताते हैं. जब हमारे में सत्वगुण बढ़ा हुआ हो, कल्याण की शुभ इच्छा खड़ी हो गई हो, तब पता लगता है वो मैंने किया क्या. तो अब ये किसने बताया? विवेक ने. इसलिए विवेक को गुरुओं का महागुरु बोलते हैं, गुरुओं का भी महागुरु. क्योंकि जितने भी गुरु बने हैं, महात्मा बने हैं, संत बने हैं, हाँ विवेक से बने. विवेक गुरु नाम गुरु बोलते शब्द व्यास जी ने कहा गुरु नाम गुरु, गुरु नाम गुरु, गुरुओं का भी गुरु. वाह, इसी से ही सारे महात्मा बन गए, इसी ने सबको जगाया उठाया. नहीं नहीं, एहसास का मादा पैदा किया. इसी को मेरे भगवान कहती है क्या 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 क्या, आप इसी शास्त्र पर दिल दिए जा मदाम. शास्त्र बताएगा करना है क्या. और ये 16वें अध्याय का अंतिम 24वां श्लोक बड़े कमाल का भगवान ने कह दिया. शास्त्र क्या बताता है, करना है क्या. और ना अब सारी गीता जी आपको बता के रही है ये करने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए, और जो करने चाहिए ये साधन है, और जो नहीं करने चाहिए और हमने कर लिए, इनको ये तरीके हटाने के. बाबा प्रसंग बता दो, जो हमने कर लिया उसको हटाने के तरीके विवेक और अभ्यास और वैराग्य. अच्छा, और अपनाने के तरीके जो है वैराग्य से, सतगुण की बढ़ोतरी से. सतगुण जू जू बढ़ता जाएगा मेरे देवियों, आपका मन भगवान की ओर झुकता जाएगा. जब मन भगवान की ओर झुकता है तो भगवान ही अपनी ओर से हमें विशेष दिव्य शक्ति प्रदान कर देते हैं. उसी दिव्य शक्ति को बदौलत हो मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों बताओ, और मेरे कल्याणकारी देवियों, क्या हमारे पास गुण आने लग जाते हैं. मैं ये कहूंगा गुण हमारी शक्ति से नहीं आते, गुण हमारे जो हमने पुरुषार्थ किया, हमने जो चाहना की, गुण भगवान की भेंट है, गुण भगवान का तोहफा है, गुण भगवान का गिफ्ट है. जब हम अधिकारी बनती है तो गुण भगवान गिफ्ट के रूप में, जैसे आप अपनी सखी सहेलियों को, अपने मित्रों को समय समय अनुसार गिफ्ट देते रहती हैं, हाँ इस तरह भगवान का सबसे पहला गिफ्ट इंसान को है विवेक. सबसे पहला गिफ्ट, सबसे पहला तोहफा, सबसे पहला प्रेम उपहार क्या है? विवेक. तो इतनी बार गीता सुनी और कई केवल आज के दिन आते हैं, लेकिन आप लगातार आ रहे हैं, विवेक जागृत हो चुका होगा. आप अपने अंदर गोता मारिए, ये समझ आ गई ना करना है क्या और ना करना है क्या, देखना है क्या और क्या ना देखना है क्या, सुनना है क्या और ना सुनना है क्या, खाना है क्या और ना खाना है क्या, पीना है क्या और ना पीना है क्या, लेना है क्या और देना है क्या, जाना है कहां और कहा नहीं जाना. ये विवेक की बदौलत एक एक अंग को पता जाता है, अंदर मन को पता जाता है, विचार संकल्प कौन सा करना है कौन सा नहीं करना, चित्त को पता लग जाता है कौन सी पुरानी बातें याद करनी और कौन सी नई गड़े मुर्दे उखेड़ने. हंकार बिल्कुल भगवान की जात में जाने लग जाता है. अंदर के चार अंग बुद्धि मन चित्त और अहंकार, और बाहर के ये हमारे 10 अंग. एक एक अंग को मेरी देवियों पता लग जाता है कि मुझे मेरे लिए उचित क्या है अनुचित क्या है. उचित अनुचित में भेद करना, तमीजी करना, डिस्टिंग्विश करना है. इसके बिना तो इंसान किसी काम का नहीं. जैसे आपने 5 लाख की अभी टाटा निकाली है कार, कुछ सवा 5 लाख की. अच्छा हाँ, एक भाई आए थे आशीर्वाद लेने, बाबा जी 5.25 लाख लिखे हैं. वाह, बड़ी सुंदर, बहुत, लेकिन ब्रेक ना हो किसी काम की नहीं. आपकी बसें लाखों की है,
हाँ किसी काम के नहीं अगर ब्रेक ना हो तो, अगर ब्रेक फेल हो तो बस बिगड़ काम। और इंसान अंदर विवेक क्या है, आपकी कसम मैं सच्चाई से काम ले रहा हूँ। विवेक इंसान की बुद्धि के लिए नहीं, मन और बारीक तन की ब्रेक है। विवेक हमारे मन की ब्रेक, तन की ब्रेक। याद रखना, मेरे पास और कोई उपयुक्त या एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है जो मैं विवेक की मैं बता सकूं। विवेक हमारे लिए ब्रेक, विवेक हमारे लिए ब्रेक। व्यास जी मैं शायद ठीक ही कह रहा हूं, विवेक हमारे लिए ब्रेक, ब्रेक रोकने का यंत्र, कंट्रोल करने का यंत्र। अच्छा, और वैराग हमारे लिए क्या है? वैराग हमारे लिए एक्सीलेटर। जैसे एक्सीलेटर आपके हाथ में जितनी जल्दी स्पीड बढ़ा लो, वैराग एक्सीलेटर है, जबकि विवेक हमारे लिए ब्रेक है। देखिए ये याद रखना, विवेक ब्रेक। और ब्रेक के बिना तो मैंने कहा कोई भी वैन क्यों ना हो, सब कोई भी ऑटोमोबाइल क्यों ना, किसी काम की नहीं, कौड़ी से खोटी। हाँ अब आपने देखना है, गीता से सबसे पहले तोहफा विवेक मिलता है। शपथ, आप लोगों को भगवान की ओर से तोहफा मिला है या नहीं? नाउ इट इज अप टू यू। हर एक बच्ची का अपना प्रश्न है ये। मैं जितनी प्रभु से प्रेरणा लेता हूं उसी आधार पर समझा देता हूं, बता देता हूं, विस्तार कर देता हूं। आपने ये देखना, मेरे विवेक पैदा हो गया। खप मचा देती है, दो साल हो जाता है बच्चे को नहीं हो रहा, खप मचा देती है, मेरे घर में कोई औलाद नहीं हो रही, साल हो गया, डेढ़ साल हो गया, हर हलचल मच जाती है। आपकी सास को तो बस रोटी नहीं हजम होती, पैर ही नहीं है, पैरों जमीन पर जमते। वो कहती क्या करूं, आगे मेरा भी एक लड़का आगे हो ही नहीं रहा है, मैं मर गई, ये क्या बनेगा। तो अपनी हलचल मचती कि इतना मुद्दा सत्संग में होती हुआ आएगी तो मेरे में विवेक पैदा क्यों नहीं हो गया। हलचल मच जानी चाहिए, विवेक मस्ट बी। शपथ बाबा, अगर हम घर जाए और देखें कि विवेक पूरा जागृत नहीं हुआ तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे पास तो एक ही बात है, भगवान का दिया हुआ वचन भगवान के सामने रख दो। मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए, भगवान से प्रार्थना करो। मेरे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि मैं तो समझा ही रहा हूं, बता रहा हूं। आप भी जो शुभ कार्य है संपन्न कर रही गई, आप सभी सब शुभ कार्य भरे होते जा रही है, फिर बस भगवान से प्रार्थना करो। पकड़ो, अगर कहीं कमी है तो दूर कर दीजिएगा। गिर गिराइए, रोइए, गिर गिरा के फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट भगवान से कहिए, प्रभु तुझे क्या कहूं मेरे इष्ट देव, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का। चार पांच गर्म गर्म आंसू निकाल दो, महाराज जी के चरणों में गिरा दो। कहा तो उसको जाता है प्रभु जिसको पता ना हो, आप तो जानी जाने सर्व ज्ञाता है, आपको बताते हुए संकोच होता है। तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल, प्रभु एक दया की नजर मेरी ओर भी कर दो ताकि मेरे में भी ये गुण जाग उठे। इसी गुण से आगे वैराग पैदा होगा। जब विवेक ये बताएगा उचित क्या है अनुचित क्या है, तो हम क्या करेंगे, अनुचित से मन हटाएंगे, उचित में मन लगाएंगे। अनुचित से मन हटाना एक शब्द वैराग, इम्प्रॉपर से मन खींचना, जैसे उसको सुनाई नहीं देता हम कहेंगे बहरा, उसको दिखाई नहीं देता अंधा, वो बोल नहीं सकता गूंगा, अनुचित से मन हटा लिया वैराग। इसका एक शब्द बार बार ये अक्षर में तो उसे वो वैरागी हो गया, अर्थात अनुचित से मन निकाल लिया, रूपों से मन निकाल लिया, ये अनुचित है। ये विवेक, विवेक से वैराग पैदा होता है।
अगर विवेक आ गया होगा तो जरूर वैराग आ गया होगा। वैराग के बिना भी इंसान किसी काम का नहीं, पक्का शैतान। वैराग के बिना शैतान, हाँ उसमें काम होगा, क्रोध होगा, मोह होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, गाली होगा, गलोच होगा, हलचल होगी, भटकन होगी, शराब होगी, कबाब होगी, सिगरेट का धुआं जो चलेगा, इंजन चलेगा, सेहत रगड़ी जा रही होगी, कोई ना कोई जरूर बीमारी लगी होगी, डॉक्टरों के हाथ धक्के खा रहा होगा। शैतान ना आखा तक की आख, आफत का प्रकाला ना आखा तक की आख, ऐसे व्यक्ति आफत के प्रकाले हैं, जिनमें वैराग नहीं है। शाबाश, तो विवेक के बाद वैराग जरूर आएगा। वैसे शादी के बाद प्रायः जो है भगवान की कृपा से औलाद पैदा होती है, बच्चा हुआ हुआ करता हुआ आपकी गोदी को, आपके आंचल को चार चांद लगा देता है। हाँ, स्त्री जब विवेक उत्पन्न हो जाता है, विवेक से वैराग, यही एक सच्चा वैराग है। बाकी शमशानी वैराग हो गया, घाटा पड़ गया वैराग कुछ दिनों का, किसी अचानक मृत्यु होगी कुछ दिनों का वैराग आ जाएगा, या कोई बात आपके अनुकूल नहीं हो रही, श्रीमती आपके अनुकूल नहीं कुछ दिनों का वैराग, श्रीमान जी आपका आदर नहीं करते कुछ दिनों का वैराग, औलाद आपका क्या नहीं मानते कुछ दिनों का वैराग। लेकिन यदि विवेक से वैराग तो तब तक रहेगा जब तक भगवान की जात में आपका अंदर वाला जीव तल्लीन नहीं हो जाता है। इतना जरूरी गुण, इतना जरूरी गुण ये हमारा जी सरकार, इतना जरूरी गुण हमारे लिए जरूरी, मुझे कहती हुई है शर्म आते, अनिवार्य गुण है, हमारा कंपल्सरी गुण है। जैसे आप सब यूनिवर्सिटी के पेपर देके आए होंगे तो लिखा होता था फर्स्ट कंपल्सरी अटेम्प्ट एनी फोर, अब यह अपनी राष्ट्रभाषा में हो गया प्रथम क्वेश्चन अनिवार्य है, शेष कोई चार पांच की चार कीजिए, लेकिन प्रश्न प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। हाय, इंसान की जिंदगी में मेरे और आपके लिए जो कल्याणकामी है विवेक अनिवार्य है। वैराग तो आया क्या आया, वैराग जरूर आ जाएगा। तो निरीक्षण कीजिए मेरी सरकार, विवेक आ गया, हर कदम पर आपको पता लग जाता है, हर क्रिया में पता लग जाता है, हर विचार में पता लग जाता है, हर काल में पता लग जाता है। जबकि आप आटा गूंथ रही है या रसोई में खड़ी हुई पका रही है रोटी, तो कोई विचार आता है तो आप टोकती है, ये कैसा विचार आ गया, ये मेरे लिए उचित नहीं है, जब मैं ऐसी थी जो थी, शेम, शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। इसे बोलते हैं विवेक प्लस वैराग, और आपको शर्म आती है, मेरे में विचार क्या आ गया, ये मेरे मन ने क्या सोचा, राग द्वेष मेरी बात मैं बदला लूंगा किसके साथ, किसी के साथ बदला नहीं, लानत मुझे, मैं भगवान का प्यारा, गीता का पाठी और अपने कल्याण कामी, और फिर बदले कैसे, बदले मैं दुश्मनी बढ़ाऊंगा, मन में हलचल पदम मचाऊंगा, जबकि मेरे भगवान कह रहे हैं किसी को भी आजार देता नहीं, भगवान का प्यारा किसी को हानि नहीं पहुंचाता, क्या शर्म की बात, बहुत अच्छे। विवेक ने वैराग पैदा करके आपको बदले लेने से रोक दिया, ऐसा चाहिए। जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, विवेक वो जो बुरे कर्मों से हटा ले, देर एंड देन चेक कर ले, नो नॉट टू बी रिपीटेड। जब मैं करता रहा था मुझे पता नहीं था, अब अखी देख के मक्खी नहीं निकली जाती, शाबाश। आप भगवान का इतना ज्ञान लेकर के मेरे से ये अनुचित कार्य नहीं होंगे, मेरे मुझे मेरी वाणी पर विश्वास करना, ऐसे मौके पर अगर ऐसा विचार आए और हम अपोजिट थॉट या गुड थॉट या नोबल थॉट देख के मन को रोक ले, अंदर वाला बहुत खुश होता, बड़ा प्रसन्न होता, बड़ा प्रसन्न होता, शाबाश। कि एक बुरा विचार आया, आपने देर एंड देन चेक करके उसे बाहर भगा दिया। जैसे कुत्ता दरवाजे पर आता है, या तो रोटी डाल देती है या भगा देती है, इससे ये गंदे विचार कुत्ते की तरह है, जो हमने दुड़ा देनी है, भगा देने, मेरे शब्द लगा रहा हूं देर एंड देन, हां उसी समय, नहीं तो पुराना स्वभाव बना हुआ है, जरूर कुछ ना कुछ बुरा कर्म करवा लेगा आपसे, नहीं
अब मैंने इसी जन्म में अपना कल्याण कर जाना है तो मुझे अब शोभा नहीं देता बदले लेने वाली बात नहीं, हरगिज नहीं। शाबाश, निरीक्षण कीजिए मेरे बुजुर्गों, मेरे कल्याण का भाइयों बताओ, मेरी अच्छी बेटियों, जरूर सीरियसली एंड मोस्ट सिंसियरली आप जरा अपनी जांच पड़ताल कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए एंड यू सी वेयर वी ऑल स्टैंड, हमारी आंतरिक अवस्था क्या है। ये होता है यथार्थ रूप में गीता के सत्संग का लाभ, कि हमें लिफ्ट मिल जाती है, हमारा मानसिक स्तर और भी ऊंचा हो जाता है और होना भी चाहिए। ये रामायण नहीं, भागवत पुराण नहीं, जो क्षणिक जोश आता है, क्षणिक प्रेम आता है, क्षणिक मोमेंट्री, लेकिन गीता तो आपको परमानेंट विवेक और वैराग देकर साधना में जुटा देती है। हाय बहुत अच्छे, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, रामायण से थोड़ी देर का प्रेम जागेगा और प्यार जागेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए। भागवत पुराण भी भगवान जी की लीलाएं हैं, थोड़ी देर के लिए आप चुलबाहट में आएंगे, लेकिन बस दूध का जोश। लेकिन व्हाट अबाउट गीता जी, गीता जी जो कहने की जुरत करे कि दूध का जोश, ये दूध का जोश कदापि नहीं। ये सरकार आत्मविश्वास पहाड़ है, ज्वालामुखी है, एक बार तो आपके सारे को कर्मों को बाहर निकाल देगा। ये परमानेंट विवेक होता है और परमानेंट वैराग होता है, ये दोनों गुण जनाब में आए। शाबाश, आपका मन संसार से उपराम रहता है ना, संसार के कर्तव्य कर्म तो आप कर रहे होंगे, लेकिन आप उपराम होकर करते हैं ना, अब वो दिलचस्पी नहीं रही होगी, वो रुचि नहीं रही होगी, वो इर्द गिर्द टाइम वेस्ट करना नहीं रहा होगा ज्यादा समय, क्या आपका एकात्म कटता है ना, ज्यादा समय आप एकात्म रहकर मनन करती है ना, विचार करती है ना। यही मेरे मालिक कह रही है, जो लगातार भगवान की वाणी सुनती है उनमें पहला गुण विवेक आता है, फिर वैराग बुरे कर्मों से हटा देता है, जो हमने गलती से किए तो उनसे मन हट जाता और हम रिपीट नहीं करते। तीसरा जो महाराज जी की वाणी सुनने में अभी क्या हजूमे खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना सरूर, वो एकांतवासी जाता है, एकांत प्रिय कह लो, एकांतवासी कह लो, अच्छा उसे ज्यादा प्यार एकांत से। अब बाहर जाके करे क्या, संसार में क्या है, संसार में तो यही तीनों वृत्तियां हैं, काम के अड्डे, क्रोध के अड्डे और मोह के अड्डे, लोभ के अड्डे, जगह जगह यही अड्डे लड़े, जिसे हम कहते हैं कंचर कामनी कीर्ति, और उर्दू वाले बोला करते हैं जर जन और जमीन, इन्हीं के ही अड्डे हैं जिसके लिए अनुभवी महापुरुष के फसाद की जड़, तीन जर जन जमीन, फसाद की जड़ तीन जर जन जमीन, तो बाहर जाके क्या करे, मिट्टी पाए, बल्कि पहली डाली हुई मिट्टी एक हाथ पे बैठ के हम धोते हैं, अपनी दिल करता बार क्या करूं, बाहर निकल के क्या करूं, बार तो गंदी गंध है, सारा गंध, कोई सखी मिलेगा, कोई सहेली मिलेगी, कोई रिश्तेदार मिलेगा, कुछ सारे गंदी घोलेंगे, सब गंध। इसलिए आप जैसे नेक जीव एकांत से प्यार कर रहे हैं ना, हाय तीसरा निरीक्षण, मेरे चाहे मेरे युवक है, मेरे जवान भाई है, एकांत से प्यार करने लग गए ना, तब सचमुच भगवान की वाणी पे आप पर असर हो गया, या अब भी दिल करता है बाहर घूमने का, फॉर व्हाट पर्पस, आवारा गर्दी करने का आप दिल करता है, समझिए कि फिर आप पर कोई ठोस असर नहीं हुआ भगवान की वाणी का, आवारा गर्दी फॉर व्हाट पर्पस, आवारा गर्दी का मतलब क्या, पहले तो गंदगी मचाने के लिए जाते थे ना, और जनाब आप नहीं दिल करता, बल्कि किए हुए कर्मों को शर्मिंदगी होती है, क्या करते रहे हम लोग, अब तो नहीं ना, जाके देखो, जाके देख बेटी, अब तो शॉपिंग करने का दिल नहीं करता, मेरी ये साड़ी थी मेरी वो नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं, शाबाश, मेरा ये सूट थे मेरा नहीं बाबा, बहुत सिले पड़े हुए, अब तो मेकअप करने का मेकअप लानत मेकअप बाबा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मन टूटा है कि वो मेकअप का सारा सामान
मुझे अंदर ही अंदर किलो किलो की गालियां दे रहा है, देता रहे, मुंह च कड्ढे झोली च पाए, मुंह च कड्ढे झोली च पाए, मैं नहीं रिसीव करती। बहुत अच्छे शाबाश। क्या विवेक वैराग इसी को कहती है? हाँ इसी को कहती है कि पुरानी चीजें ना फैशन अच्छा लगे, ना मेकअप करना अच्छा लगे, ना शॉपिंग करनी अच्छे लगे, ना जानबूझ के एक होटल के अंदर बैठ करके चीजें खानी अच्छी लगे, ये ना अच्छी लगे। समझिए मेरे प्रभु की मेरे पर फुल कृपा, मेरे मालिक की मेरे पर फुल कृपा। चौथा गुण ध्यान देना, मैं आगे बढ़ू। ये क्या पीछे चल रहा है आज? कई नया के बैठ गए। लगातार गीता सुनने का प्रभाव क्या पड़ता, लगातार भगवान की वाणी के सुनने का प्रभाव क्या? आज का जो विचार है वो केवल आपका निरीक्षण है। आज तो मानो हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन हो रही है, आने वाली स्कूल इंस्पेक्शन है। जैसे साल में एक दिन इंस्पेक्टर साहब आते थे, वो किसकी होती थी? वो टीचरों की होती थी, ना कि स्टूडेंट्स की। टीचरों ने कितना पढ़ाया है। तो आज तो आपका अपना निरीक्षण है कि आपने कितनी अवस्था अपनी बनाई है। अपने आप को टटोलो, अपने आप को देखो कि जब लगातार मैं सुन रही हूं, लगातार मैं आ रहा हूं। रविवार वाले दिन भी एक दिन तो आते हैं, संडे कम बट वंस ए वीक, संडे एडिशन कम बट वंस ए वीक, सप्ताह में एक बार तो आप तशरीफ लाते हैं जरूर। तो आप पर भी काफी असर पड़ना चाहिए जी। आपको भी सीरियसली एंड मोस्ट सिंसियरली एकांत में बैठ करके जरूर जाके विचार करना चाहिए। सचमुच में लगातार सुनता हूं, कल्याण चाहता हूं अपना, मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। आहा हाय, ये तो भगवान की बड़ी दया हो जाए और हमारे पुण्य जाग जाए तब ये मनुष्य शरीर मिलता है। हाय आहा, तो आइए ना फिर इसका कोई लाभ उठाए। आप वॉलंटरली तशरीफ ला रहे हैं मुद्दत से, कोई मजबूर नहीं करता, आप खुद ही खुशी से आती हैं, तो ये लाभ हो गया आपको। ऐसा लाभ हो जाना चाहिए, ऐसा लाभ हो जाना चाहिए जरूर। चौथा, लगातार गीता सुनने से ध्यान देना, मेरी भी दो कान ले लो, मेरी भी दो कान अपने साथ लगा लो। और ये चौथी बात ध्यान से सुनना, क्या हो जाता है गीता सुनने से, ये ज्ञान सुनने से, गीता पढ़ने से क्या चौथा लाभ क्या होता है, ठोस लाभ क्या होता है? हर समय भगवान का चिंतन जारी हो जाता है। भगवान द्वारा लगाई गई ये शर्त हम हंसते हंसते पूरी कर रहे होती हैं। सदा मेरा पैगाम, जिसमें विवेक पैदा हो गया, वैराग पैदा हो गया, एकांत से प्यार हो गया, तो क्या होगा? अंदर प्रभु का चिंतन जारी हो जाएगा, तब संसार हमारे सामने भी क्या जीरो हो जाता है, चिंतन करने योग्य नहीं रहता। क्या हम इसके बारे में सोचे जो जिस समय का कर्तव्य होता है वो हम कर गुजरती है? रोटी पकाने के समय रोटी पका लेती है, कपड़े धोने के समय कपड़े धो लेती है, जो जब भी जरूरी होता है कि बच्चे को पढ़ाना पढ़ा देती है, कमाने का टाइम हम कमाने चले जाती है, कोई बीमार है उसकी दवाई ला के उसको दे देते हैं, लेकिन उनका चिंतन नहीं करते, उसके बारे में विचार नहीं किया जाता। विचार केवल महाराज जी का होता है। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी माता और बेटियों, गहराई में उतर जाओ। चौथा जो जरूरी बात आपसे व्यास जी उम्मीद रखते हैं, भगवान आप उनकी उम्मीद पूरी करो। हर समय प्रभु का चिंतन, भगवान द्वारा लगाई गई शर्त मैं भी और आप भी खुशी खुशी पूरी कर दे। क्या मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, चुके किसी गैर से दिल लगाता नहीं। अपने पर लागू करो कि ये जरूर एड़ी चोटी का जोर मार के मैं पूरी करूंगा, करूंगा जरूर करके दिखाऊंगा मैं किससे दिल लगाऊं। जब ये पता लग गया भगवान इतनी ऐलान कर रही गए, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात, तो मरने वालों का मैं चिंतन करूं, जाने वालों का चिंतन करूं, मिट जाने वाले का चिंतन करूं, जो मुझे चौराहे में छोड़ के चले जाएंगे उनका मैं चिंतन करूं, नहीं वाजब, नहीं वाजब, नहीं वाजब, केवल प्रभु का चिंतन होगा। हाय मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान, वो व्यास जी आपका बहुत बड़ा एहसान, मैं कुर्बान, प्रभु का बहुत बड़ा एहसान, इतना मिला ज्ञान
अब तो जरूर होगा हमारा कल्याण। विचार कीजिए, हर समय प्रभु का चिंतन हो रहा है कि नहीं, और किसके चिंतन करते हो? सब चीजें जाने वाली है, फानी है। ये दो दिन का खेल है सारा, ये तो आप देख ही चुके हैं। लगातार सत्संग सुना तो क्या पता लगा, सत्य है केवल भगवान और संसार सब चलायमान। तो चलायमान का चिंतन क्यों होगा? हम तो एक सथाई का चिंतन करेंगे, जिससे क्या होगा, लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। और भगवान ने खुद शर्म का बुरका उतार के कहा है, जो मेरे चिंतन में नहीं लगेगा, ये दुनिया है उसकी न अगला जहां। मालिक से पच क्या, वो दोनों जहां से मारा जाएगा। तो क्यों भगवान को हम क्रोध दिलाए? भगवान ने हमें इतना अवसर दिया, कोई बताने वाला आ गया, समझने की बुद्धि आ गई, इतना एकांत आपको मिल गया, फिर दिव्य प्रेरणा मिल गई भगवान की वाणी की सुनने के लिए, वरना कौन कलयुग के अंदर इतनी दूर आता है, शहर से एकदम दूर। फिर आप में उत्साह होता है, फिर नारी का चोला और घर वाले आने देते हैं, सारे को मुंह पर ताले लग गए हैं, ये सब भगवान की कृपा, इतनी वो कृपा कर रही है। अब मैं और चिंतन किसका करूंगी, केवल अपने भगवान का। बाकी घर वालों को क्या घाटा है, जो उनका कर्तव्य कर्म मैं कर रही हूं, जो उनके कर्म में बजा ला रही हूं, जो भी घर के कर्म है, तो आप पीछे नहीं हटे। ए शर्मा, ओ मेरे वर्मा, यू आर डूइंग योर अटमोस्ट इन एवरी एक्टिविटी, यू आर स्पॉइल्ड, नो डाउट। उनको क्या इतराज है, तो ये शर्त पूरी कर लो ना, सदा मेरा पैगाम। आगे भगवान वचन दे रहे हैं, भगवान होके वचन दे, मिलना मेरा उसको आसान है। ये तो वो जाने, पर हम पहले ये शर्त पूरी करें, हमें नौकरी मिलनी है या नहीं मिली, मारो काट, पर जो उनकी क्वालिफिकेशंस है वो तो पूरी करो। वो कह रही है वे ग्रेजुएट होना चाहिए, अच्छा, कम से कम 6 महीने का तजर्बा होना चाहिए कहीं नौकरी की हो, अच्छा, 26 साल से नीचे होना चाहिए, शाबाश, सेहत उसकी अच्छी होनी चाहिए, शाबाश। ये तो शर्तें पूरी कर दो। वो उनकी उनकी क्वालिफिकेशन को अपनी हिंदी राष्ट्रभाषा बोलते बेटी विशेषताएं, हमारे में ये विशेषताएं तो हो। कितना प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का, क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू विशेषताएं, हमारे में ये तो विशेषताएं हो जरूर। तो भगवान ने कहा मेरे दीदार की चिंता ना कर, पहले ये विशेषताएं तो पूरी कर, विवेक, वैराग, एकांत प्रिय या एकांतवासी, और चौथा हर समय प्रभु का चिंतन। ये क्वालिफिकेशंस है, मैंने अपने मन को ये बता रखा है, दीज आर ऑल क्वालिफिकेशंस। क्या पत्नी बनने के लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए, मां दी धीए, ए मां दे पुत्रा, ऐसी कोई अपनी धी देगा, ऐसा कोई अपना पुत्र तेरे हवाले कर देगा। आजकल तो बड़ी शर्तें लगाती हैं, देखने में सुंदर हो, हाँ अच्छी हो, बातचीत कर सकती हो, और खुल टकसाल हो, कमाने वाली हो, अच्छा, और इधर भी घर जवाई आए तो सुंदर लगे, हाँ जरा चेहरा अच्छा होना चाहिए, पहरावा इसका सुंदर लगना चाहिए। ये क्या गली वाले हंसे और लोग की हंस नस के, मेरे जीजा देखो हंस के मजाक तो ना हो, सोरे दा अच्छी लगे और जोड़ी भी अच्छी लगे, एक इतना ऊंट है और एक बकरी, वो भी जोड़ी नहीं अच्छी लगती, ताड़ी मारते हैं गली मोहल्ले वाले। तो कितनी क्वालिफिकेशन देखी जाती है आपके लिए, कमाऊ है ना, कदमुत अच्छा है ना, खानदान अच्छा है ना, इत्यादि। इसी तो आजकल इतना बायोडाटा बनने लग गया है, वह हमारे में तो बायोडाटा, हमारी हमारे दादा ही नहीं जानता था मैं बायोडाटा क्या होता है। और बायोडाटा मीन्स अपने सारे खानदान का विवरण, इतना विवरण देते हम लोग, आहा मैं ये थे, मेरा प्यो ये थे, मेरी माँ ये थे, मेरी बहने गई हुई है फलानी जगह वलैत में, तो लंदन में, तो फलानी जगह, मेरा एक भाई जो है रिटायर है, कितना ब्यौरा देते हो, शाबाश। ये दीज आर ऑल क्वालिफिकेशंस। और तो ये जो आज मैं आपसे कह रहा हूं, ये भी तो क्वालिफिकेशंस है भगवान की जात में समा जाने के लिए। एक आपको बात बताऊं, क्या ये एक नियम जे परमात्मा का, जो वस्तु जितनी गुणकारी होगी
उसके लिए उतनी ज्यादा कीमत देनी पड़ती। मोर दी वैल्यूएबल, ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर जे, मोर दी वैल्यूएबल मोर दी प्राइस, मोर दी वैल्यूएबल मोर दी प्राइस, या आजकल छपने लग गई है मोर दी डिमांड मोर दी प्राइस, मोर दी डिमांड मोर दी प्राइस। एक वस्तु जितनी कीमती होगी उतनी ही तो हमें कीमत देनी पड़ी, कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी। हाँ, और भगवान कोई मेरा रब्बा अपने मुंह से कह रही गए, जहां उसको मिलने से आए यकीन दौलत कोई उनसे बढ़कर नहीं, भगवान से बढ़कर तो कोई चीज थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। इसी से अनुमान लगा लो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी कल्याणकारी देवियों, कितनी हमें कीमत देनी पड़ेगी, अर्थात कितनी हमें विशेषताएं अपने में रखनी पड़ेंगी, कितनी कुर्बानी करनी पड़ेगी। इसलिए मेरे जैसे का मन उकताता नहीं, उकताया नहीं, आपका भी नहीं उकताना चाहिए। हर प्रकार की कुर्बानी करने के लिए मेरा मन तैयार हो जाता कि ये तो इससे बढ़ के कीमती चीज कुछ थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, आहा, फिर तैयार, शाबाश, फिर तो हमारा रोम रोम का है, हम तैयार है, बिल्कुल तैयार, क्योंकि हम कल्याणकामी है और इससे बढ़कर के अच्छा कोई मार्ग था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। आओ, भगवान व्यास जी द्वारा बताई गई इन शर्तों को पूरी कर ले, हंसते चुटकी मारते, क्योंकि इसके बिना कोई चारा भी तो नहीं, कोई गुजारा भी तो नहीं मेरी देवी। जैसे अगर अच्छा घराना लेना है तो पढ़ाई के बिना गुजारा कोई है, फिर क्यों कहती है पढ़ाई मुश्किल है। मैं कहूंगी जिसके बिना गुजारा ना हो, ए भोली मां दी चलाक थी, भोली मां दी सियानी थी, जिसके बिना गुजारा ना हो उसे कभी भी जबान से मत कहो कि यह मुश्किल है, कह कह के वो और भी मुश्किल हो जाएगी। याद रखना बेटे, अगर पढ़ाई के बिना गुजारा नहीं, आज के बाद आपको मेरी कसम कभी ना कहना ये मुश्किल है, मैं कर गुजरूंगा, चूंकि इसके बिना गुजारा ही नहीं, कमाई के बिना गुजारनी मत क्यों, नौकरी करनी मुश्किल है, जरूर मेरे भगवान आपको नौकरी देंगे। रोज नहा धोकर प्रार्थना कर, आपका अपना वचन है प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, हमारे घर के हालात प्रभु आप जानती हैं, जरूर मेरे मालिक चाहे आकाश से गिराएंगे नौकरी, आपकी झोली में डालेंगे, चूंकि उनका वचन है मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पाई। जब पता है इसके बिना गुजारा नहीं, हमारे घर के हालात ऐसी हैं, हमारी आर्थिक समस्या बड़ी विचित्र है, शाबाश, आप उसके लिए कितनी मेहनत मारते हैं। इस तरह आप, मैं ये भी बात कह रहा हूं आपसे, क्या 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 कल्याण के बिना हमारा गुजारा नहीं। मैं तो कल्याण करे बार बार जन्म मरण, बार बार गर्भ में जाना, ये बार बार शरीर क्लेश, मानसिक क्लेश और पारिवारिक क्लेश, इनमें मरना है नहीं, मुझे मुझसे नहीं होता, मैं इनसे निकल जाना चाहता हूं, तो फिर ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, इसके बिना गुजारा नहीं। जैसे मेरे मन ने बिठा ली, आप भी बिठा लो, इसके बिना गुजारा नहीं। अगर मैं इस दुख भरे संसार में नहीं आना चाहती, अगर इसमें दुख भरे संसार के अंदर जन्म नहीं लेना चाहता और नाना प्रकार के क्लेशों से बच जाना चाहता हूं, सदा रहने वाली शांति चाहता हूं, तो मेरे लिए जरूरी है विवेक, वैराग, एकांत और तीसरा आपका, चौथा प्रभु का हर समय चिंतन। और हम चिंतन भी किसका करें, सब चीजें जाने वाली थोड़ी देर का खेल, ऐसा समझा लो अपने आप को, और खुद भगवान दुनिया बना के कह रहे गए जो पैदा हो मौत उसको, अच्छा जो भी पैदा हुआ थोड़ी देर रह चला जाएगा, उसे टिकना तो है नहीं, फिर मैं इनके इनकी सेवा करूंगा, इनसे दिल नहीं दूंगा, ओ मेरी बेटी ओए, इनकी हम सेवा करेंगे, हाँ लेकिन हम अपना दिल नहीं दे सकते इनको, नहीं, ये जाने वाले टिकने वाले नहीं है, ये ठहरने वाले नहीं है, शाबाश, है नहीं। ए मनोरमा, तूने मंगनी तोड़ी या उन्होंने तोड़ी? मैं, हमने तोड़ी, क्यों? हमें पता लग गया कि इसने पहले भी एक जगह इसकी शादी हुई थी और अभी 4 महीने रह के इन्होंने तोड़ दी। अच्छा,
तो हमें डर लग गया ये घराना कैसा है। हमने कहा ना 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 ना, दूध का जला बाबा छाछ को भी फूंक फूंक के पीता गए। जला दूध का हो फिर भी लस्सी भी आएगी तो भी फूके मारेगा, क्यों? परसों में सड़ गया था, ये तो लस्सी है रंग तो एक जैसा है ना, कहावत कैसी बन गई है, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता। तजर्बा जो कड़ा हो गया। हाँ तो मनोरमा ने अपनी मंगनी तुड़वा दी ना। इसी तरह जब ये पता है संसार की चीजें सब जाने वाली सब, मैं अगर यही से दृष्टांत दे दूं तो आपको सारे दृष्टांत मिलते हैं। एक ही पति देव चले गए हैं, इधर देखूं एक ही पत्नी चली गई है, उधर देखूं एक एक पुत्र चार धियों के पास हुआ था वो श्री छोड़ गया है। आपको सारे दृष्टांत जहां मिलती हैं, दो लड़कियों के बाद एक ही लड़का मां जी का हुआ आप सब जानती हैं, नीचे मुंह करके बैठ गई है, धोखा दे के मां को चला गया, एक ही लड़का। इस संसार में देखो एक ही आपका भाई था एक्सीडेंट में चला गया। देख लो मेरे बच्चे किस किस के देखो से क्या क्या नहीं हुआ। बहन को आपने कहते डेढ़ लाख का हमने दे ये सारी चीजें दी, उधर दो दिन रही तो एक रात को पेट में दर्द पड़ी, सिवरी तक शरीर छूट गया। क्या डेढ़ लाख हमने उन बड़वों का कर्जा देना था कि यहां से लेके चली गई। आप देख रही हैं क्या हो रहा है क्या बन रहा है। शाबाश, पति गया पत्नी गई पुत्र गया, हाय मां गई बाप गया। आप देख रही संसार में गया गया ही हो रहा है, गैराम 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 सारी जाए तो रहेंगे तो दिल नहीं लगता किसको मन लगाया जाए। ये सारे जाने वाले गए, इसलिए महापुरुष कह गए दुनिया एक रेलवे प्लेटफॉर्म है, इसमें काफी गाड़ियों पर चढ़ चुके हैं, बाकी जो खड़े हुए नजर आते हैं ना ये यात्री इंतजार कर रहे हैं अपनी अपनी गाड़ी की। दीज आर ऑल बाउंड फॉर, ये एक अंग्रेजी में फ्रेज है, दीज आर ऑल बाउंड फॉर, ये कहीं ना कहीं जाने वाले हैं, बाउंड फॉर ये भागने वाले हैं, ये टिकने वाले नहीं। तो दाना कहां इनसे, दाना आदमी कभी उलझेगा नहीं। सियानी मक्खी सुनो, मेरे गुरुदेव ने बताया कि मुझे सियाना बनाया, सियानी मक्खी शहद चट लेती है अपने आप को नहीं फंसाती, कमली मक्खी शहद चट के पर बीच में फंस के पच पच के मर जाती। वो सियाने बनना सियाने, हाँ अपने फर्ज भी पूरे कर लो और उलझना भी नहीं। ओ मेरी सियानी पढ़ी लिखी बेटी, ओ पढ़ी लिखी ग्रेजुएट बहू, हाँ अपने कर्तव्य भी पूरे कर ले लेकिन उलझना जाना। वो देखो आपके भगवान गीता में कह रही है कमल के न पत्ते पी ठहरे तरी, वैसे कमल का फूल या कमल का पत्ता पानी में रहता हुई पानी से अलग थलग, इस तरह समाज में रहते हुए भगवान के ज्ञान को लेकर अलग थलग बिल्कुल निराले। लगातार गीता का ज्ञान सुनने से क्या प्रभाव पड़ना चाहिए, विवेक जाग जाए, विवेक से वैराग उत्पन्न हो जाए, अच्छा एकांत हमें प्यारा लगने लगे, हर समय भगवान का चिंतन होने लगे। इन चारों की तो बड़ी महिमा गाई है हमारे महर्षि वेदव्यास ने, टटोलो 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 अच्छी तरह, ये चारों क्या चमक रहे हैं ना आपको, जैसे रात्रि को एक ही जगह सात तारे नजर आते हैं उनको हम सप्त ऋषि बोलते हैं। सप्त ऋषि तीन एक तरफ चार एक तरफ लटक रहे होती हैं, आज ही रात्रि को देखना आज तो कोई बादल नहीं है तो सात तारे एक और लटक रहे होती हैं। अच्छा आपको नजर आएंगे तीन और चार नीचे सात, अच्छा उनको सप्त ऋषि बोलती हैं। इसी तरह ये गुण हमारे मन रूपी गगन पर चमकने दबकने चाहिए। विवेक जागा हुआ, वैराग
एकांत और हर समय प्रभु का चिंतन, ये चारों जगमगा रही हो, चारों उठ रही हो, शाबाश 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 शाबाश, चारों के चारों बहुत अच्छे सुंदर अच्छा अति सुंदर। एक पांचवा गुण और है, आखिरी आखिरी तो है, पर ये नहीं कि वो उसकी वैल्यू नहीं है, है तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो भी अपनी जगह पूरी कदर रखता है। क्या? ध्यान का अभ्यास, मेडिटेशन। जब ये चार गुण आ जाएंगे तो अपने आप ही मेडिटेशन आ जाएगी। मेडिटेशन का मतलब मन ज्यादा समय महाराज जी में तलीन होना चाहेगा, जैसे नए ब्याहे हुए हर समय इकट्ठे रहना चाहते हैं, बम्बे जा रहे हैं तो इकट्ठे, शिमले जा रहे हैं तो इकट्ठे, कश्मीर जा रहे हैं तो इकट्ठे, ये जहां जहां चक्कर काटते हैं विशेष प्रकार का शब्द बोलकर जो मुझे कहते हुए संकोच होता है, हम जो है मनाने जा रही है फिल इन दी ब्लैंक, तो चार वो दोनों चक्कर काटते रहती है। भगवान करे हम लोग भी हां ध्यान के साथ अपने आप को जुटाए लगाए, ध्यान के साथ अपने आप को लगाया जाए, यह अपने आप आएगा। जैसे मैंने कहा ना नए ब्याह हुए दूल्हा दुल्हन चक्कर काटते पिटते दोनों, हमारा मन भी अपने ध्यान में हमेशा रहेगा। ये है ज्ञान, लगातार भगवान की वाणी सुनने का आफ्टर इफेक्ट। ओ मेरी माताओं मेरी बेटियों, आफ्टर इफेक्ट यह हर एक में होना चाहिए, नहीं तो मेरा सिर खाओ, क्यों नहीं आया हमारे में? शपथ, भगवान का सिर खाओ, क्यों नहीं हमें आप भेंट के तौर पर देते? चलो माना मेरे में कमी है, मेरे में, भगवान को यूं कहो, चलो मेरे में कमी नहीं, कमी सही, परदाता आप तो दयालु हो ना, आप तो कृपालु हो, आपको तो सारी दुनिया समुद्र दिल कहती है, अपने पर ना लो, भगवान को कहो दाता चलो जैसा भी है पर आप तो दयालु, आप अपनी ओर से कृपा कर दो, मेरी कमी को पूरा कर दो दाता। ओ दाता मैं आपको क्या कहूं, शर्म आती है, कभी सुई धागा देखता है कि कपड़ा फटा हुआ है, वो कहने नहीं देता, बल्कि सुई अपना धागा देख के फटे हुए कपड़े को सी देती, मेरे भी फटे हुए मन को अपनी कृपा दे के सी दो और मुझे अपने योग्य बना दो। ऐसे गिड़गिड़ा के कहा करो अपने अंतर्यामी को, ऐसे गिड़गिड़ाओ मेरी बेटी, अपने भगवान के लिए गिड़गिड़ाओ, बार बार कहो मेरी कमी को दूर कर दे मेरे प्रभु, मैं अभी कह रहा था तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है, आहा बार बार कहो मालिक को, बार बार कहो आहा आहा आहा, बार बार कहो, मैंने कई बार आपको बताया समझाया है, आना बार बार भगवान से प्रार्थना करो, आओ अब मेरे संग मिलकर प्रार्थना करो। तब हम आरती उतारे और विदा होके घर में जाके जो कार्य जरूरी है कर ले, या खाना पाना पेटू भरना भर ले, तो जरूर विचार करना ये पांच गुण मेरे में चमक रहे हैं या नहीं, खास करके पहले चार, पांचवा अपने आप आ जाएगा। जरूर जाके विचार करना, हर मैया हर बेटी हर मेरे बुजुर्ग और हर मेरे यंग मैन, जरूर जाके विचार करें और भगवान से प्रार्थना करें। अब हम सम्मिलित प्रार्थना करेंगे, सामूहिक सामूहिक प्रार्थना, जुट जाओ मेरे में, जो मेरे अंदर से आवाजें आती हैं, कभी कीर्तन बन जाता है कभी गीत बन जाता है, मैं क्या करूं, भगवान जी ही आपके लिए बना लेते हैं। जैसे कि ये एकांत में बैठे बैठे अंदर से आवाज आने लग गई, क्या गुजरे तेरी याद में इससे अच्छी बात क्या, बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु गुजरे तेरी याद में इससे अच्छी बात क्या है, उच्च
कुछ नींद में कुछ भजन में, कुछ नींद में कुछ भजन में, इससे अच्छी रात क्या। नींद में कुछ भजन में, आज गुजरे तेरी याद में, इससे अच्छी बात क्या। प्रभु जी ओ कुछ नींद में कुछ भजन में, इससे अच्छी रात क्या। आज गुजरे तेरी याद में, आ गिड़गिड़ाओ भगवान के सामने, गुजरे तेरी याद में, इससे अच्छी बात क्या। आज गुजरे तेरी याद में, प्रभु जी ओए, इससे अच्छी बात क्या। कुछ नींद में कुछ भजन में, है इससे अच्छी रात क्या। नींद में कुछ भजन में, इससे अच्छी रात क्या। अजी अजी गुजरे तेरी याद में, इससे अच्छी बात क्या है। शाबाश, कुछ नींद में कुछ भजन में, इससे अच्छी रात क्या। नींद में कुछ भजन में, इससे अच्छी रात क्या। अजी अजी गुजरे तेरी याद में, इससे अच्छी बात क्या। तेरी याद में, इससे अच्छी बात। ओ मेरे मालिक जी ओए, कुछ नींद में कुछ भजन में, इससे अच्छी रात क्या। नींद में कुछ भजन में, बहुत अच्छे। अजी अजी गुजरे तेरी याद में, इससे अच्छी बात क्या। तेरी याद में, अजी अजी गुजरे तेरी याद में, इससे अच्छी बात क्या। तेरी याद में, इससे अच्छी बात क्या। कुछ नींद में कुछ भजन में, इससे अच्छी रात क्या। नींद में कुछ भजन में, इससे अच्छी रात। ओ मेरे मालिक जी ओए, अंतर्यामी गुजरे तेरी याद में, इससे अच्छी बात क्या। तेरी याद में, कुछ नींद में कुछ भजन में, इससे अच्छी रात क्या। नींद में कुछ भजन में, हार्दिक धन्यवाद। हार्दिक अब अपने शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
सुखिना सभी संतु निराया सभी भद्रान पश्यंतु माता जी दुखभार बने। हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु। इस तरह भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सबका आना सफल करना। इस देव हार्दिक धन्यवाद।